ये देखिए स्कॉर्पियो एम हॉक इंजन, न्यू मॉडल, बिल्कुल न्यू मॉडल है। इसका ऑयल कूलर ख़राब हो गया है। अभी तुम देखिए ऑयल कूलर हमने खोल लिया था, ये देखिए मोबिल पानी मिक्स हो रहा था, ऑयल पानी मिक्स हो गया था। अब इसके लिए हमने ऑयल कूलर खोला है और खोल दिया है। अभी इसको हम फिट करने जा रहे हैं, मैं आपको दिखा दें। ऑयल कूलर में जो इसका ऑयल कूलर है और इसमें दो पाइप लगते हैं, एक जला पाइप एक जे पाइप, जे पानी के दोनों पाइप होते हैं। यहाँ आप लगता है ऑयल फिल्टर, ये दोनों पानी के पाइप हो गए जी। और इसको भी हम क्लीन करेंगे, इसको साफ़ कर देंगे बिल्कुल, फिर इसको हम साफ़ करके क्लीन करके जो हम लगाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। ऐसा मैंने क्लीन कर लिया है, बिल्कुल साफ़ कर लिया है। और जो इसके पाइप में इसको हम बोल्ट लगाएंगे, हल्का सा बोल्ट लगा के तब इसको हम लगाएंगे। और जो इसका बोल्ट होता है जो इस तरीके से इसमें टाइट होता है, इस तरीके से इसमें टाइट होता है। हल्की सी चूड़ी ऊपर रहती है, ज़्यादा चूड़ी अंदर रहती हैं। अब इसको हम लगाएंगे फिर आपको लगा देंगे, इसको फिर आपको दिखा रहे हैं। ऑयल कूलर फिट कर दिया है, बोल्ट लगा दिया है इसका। अरे कौन सा कूलर पकड़ लिया था नहीं, बोल्ट लगा दिया है और दोनों पाइप लगा दिए हैं। जो पाइप लगाएं वो बोल्ट लगा के पाइप लगाएं और उस पर ऑयल लगा लिया था राउंडिंग पे। तो अब इसको हम टाइट कर देंगे यहाँ पर, टाइट करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे। मैंने इसका ऑयल कूलर कस दिया है, पाइप ओके, बोल्ट ओके। और देखिए इसमें ये देखिए 36 की इसमें गोटी लगती है, इस वाले बोल्ट में 36 की गोटी। और यल हैंडल, इसमें यल हैंडल अलग ही होता है, मोटा वाला यल हैंडल, इसमें बड़ा ही मोटा ही लगता है। और इसको हम टाइट हो गया है ओके। और अब इसका हम फिल्टर लगा देंगे ओके, कंप्लीट हो गई, गाड़ी स्टार्ट कर देंगे फिर। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।